नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले, और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। विधानसभा चुनाव, विपक्ष की मांगों के बीच चुनाव आयोग ने कहा अब इतिहास हो गए हैं बैलेट पेपर, ईवीएम से नहीं हो सकती है छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, ये बयान सामने निकल के आया है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें क्या है पूरा मामला। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने आगे कहा है कि बैलेट पेपर अब इतिहास हो गए हैं। उन्होंने ईवीएम का बचाव करते हुए कहा कि इन मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर के आपत्ति जताई है और कहा है कि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, क्योंकि जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है यहां पर, क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियों के मामले सामने निकल के आए। चाहे वह 373 सीटों का मामला ले लीजिए, जहां पर जितने वोट पड़े ही नहीं उससे ज्यादा वोटों की काउंटिंग करा ली गई। चुनाव आयोग ने भी खुद माना है कि कुछ सीटों पर यह आंकड़ा निकल के आया, लेकिन जांच की रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से शक के घेरे में है, लेकिन फिर भी जो चुनाव आयोग है वह यह कहता है कि जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे सभी यहां पर ईवीएम के जरिए से ही संपन्न कराए जाएंगे। यहां देख सकते हैं सीधे तौर पर जनता की मांग को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के आई जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आप लोग भी ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से ही अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी इस चुनाव में 15 सीटों पर सिमट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है जननायक जनता पार्टी के नेता का, दिग्विजय चौटाला का। आपको बता दें क्या कुछ कहा है दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी के 75 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी एक हफ्ते से 75 पार को भूलकर 50 पर आ गई है और कुछ दिनों में 30 पर आ जाएगी, वहीं चुनावों के बाद 15 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी पार्टी। ये यहां पर तीखा हमला बोला गया है। आपको बता दें दिग्विजय चौटाला की तरफ से जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई। आइए दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव, हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने बताया इंसाफ की जीत। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और इसे इंसाफ की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी अभी इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के लिए हाई कोर्ट का फैसला एक झटके की तरह सामने आया है, क्योंकि जब यह फैसला आया तब बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पर विचार कर रही थी, इसलिए पार्टी फैसले का अध्ययन करने की बात कर रही है। पंचायत चुनावों की तैयारियों में पिछड़ गई कांग्रेस के लिए यह फैसला संजीवनी की तरह आया है, इसलिए कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत करार दे रही है। आपको बता दें कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट पंचायती राज संशोधन एक्ट 2019 को चुनौती देने वाले लोगों में शामिल थे। दरअसल हाई कोर्ट में बिष्ट के अलावा पौड़ी के मोहन प्रसाद काला, मनोहर लाल आर्य और भी कई लोगों ने इस एक्ट को चुनौती दी थी। इनकी मुख्य आपत्ति 2 से ज्यादा बच्चों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर के थी। हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए ज्योत सिंह बिष्ट ने इसे न्याय की और इंसाफ की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे ऐसे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा जिन्हें सरकार के काले कानून ने चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा। यहां पर यह बड़ी खबर निकल के आई उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हुई है इंसाफ की जीत। ये आइए दोस्तों अब आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड पर बोले अखिलेश यादव, 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल सकी यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर तीखा हमला बोला गया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 2.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार झूठा जश्न मना रही है। हम लोगों को लगा अब डबल इंजन की सरकार ज्यादा काम करेगी। 2.5 साल में 2.5 कोस भी सरकार नहीं चल पाई है। सरकार डबल इंजन वाली स्पीड से नहीं चल रही है, बल्कि बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है। ये सभी बातें अखिलेश यादव ने कही। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने कहा कि अराजकता, लूट, खसोट और असुरक्षा के माहौल से प्रदेश को युक्त कराया है। ये सरकार ने कहा है, आपको बता दें, और मीडिया ने लिख दिया मुक्त कराया है। ये अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी बातें कही गई और योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल सकी है यहाँ पर योगी सरकार। दोस्तों आइए अब आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बताते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, हाउडी मोदी, अर्थव्यवस्था के हाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बदहाल बाजार को देखकर अब चारों ओर से चिंता जताई जा रही है। इस गंभीर मसले पर विपक्ष भी मोदी सरकार को घेरे हुए है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, हाउडी मोदी, मिस्टर मोदी, अर्थव्यवस्था के हाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट की खबर ट्विटर पर शेयर करते हुए गिरती अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को यहाँ पर आपको बता दे घेरा है। दरअसल महिंद्रा, टाटा और मारुति जैसी कई दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों में काम कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। वहीं बाजारों में भी भयंकर सुस्ती दिखाई पड़ रही है। उद्योग जगत से जुड़े तमाम लोग मंदी के माहौल को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार मंदी की बात को सिरे से खारिज कर रही है, नकार रही है। यह यहां पर राहुल गांधी की तरफ से जमकर निशाना साधा गया है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर। दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के आई। आइए अब आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी ने घोषित किए 5 उम्मीदवार, पाला बदलने वाले नेताओं की पवार ने लगाई क्लास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के एनसीपी ने राज्य में उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। अपने राज्यव्यापी दौरे के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने बीड जिले के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन 5ों सीटों पर फिलहाल आपको बता दें भाजपा और शिवसेना के विधायक हैं। पवार ने कहा कि जिले की एक अन्य सीट आष्टी के उम्मीदवार का नाम बाद में घोषित कर दिया जाएगा। वहीं शरद पवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने की बात कहते हुए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से पूछा कि जब वे सत्ता में थे तो 15 वर्षों तक क्या कर रहे थे। ये यहाँ पर तीखा हमला बोला गया है शरद पवार की तरफ से पाला बदलने वाले नेताओं के ऊपर के। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई। आइए अब आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बताते हैं। बिहार में लोगों को नून रोटी नसीब नहीं और बिस्किट केक की कहानियां सुना रहे हैं सुशील मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये तीखा हमला बोला गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। आपको बता दें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आपको बता दें ट्वीट कर सुशील मोदी को घेरते हुए कहा कि उनसे बड़ा कुतर्क मास्टर आज तक उन्होंने नहीं देखा। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के सबसे बड़े कुतर्क मास्टर सुशील मोदी कभी कहते हैं कि सावन भादव की वजह से मंदी है, कभी कहते हैं कि पितृपक्ष, कभी खरमास, कभी बाढ़ सुखाड़, तो कभी कानून व्यवस्था प्राकृतिक आपदा की वजह से मंदी है। इनके बेतुके कुतर्कों का भावार्थ है कि युवा घबराए नहीं, अगले 30 वर्ष में नौकरी मिल ही जाएगी। यहां पर जमकर निशाना साधा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ऊपर दोस्तों, और कहा है कि बिहार में लोगों को नून रोटी नसीब नहीं हो रही है और बिस्किट केक की कहानियां सुना रहे हैं सुशील मोदी। आइए दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं। लखनऊ के KGMU में वाल्मीकि मंदिर तोड़ने पर मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के KGMU परिसर में वाल्मीकि मंदिर तोड़े जाने को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने मामले में 2 ट्वीट कर घटना की जांच कराने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, दिल्ली में प्राचीन संत रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया,
फिर कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के ही दलित सांसद को मंदिर में जाने से रोका गया, और अब आपको बता दें लखनऊ के केजीएमयू परिसर में वाल्मीकि मंदिर को जबरदस्ती गिरा दिया गया। ये सब शर्मनाक व अति निंदनीय है। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि इन सब मामलों को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में त्वरित सख्त कार्रवाई करें, यह बीएसपी पार्टी की मांग है। यहां पर ये सभी बातें दोस्तों मायावती ने ट्वीट करके कही है। सभी बड़ी खबरें थी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक खबरें पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।